राधिका तुम? बेटा तुम कब आए? जी रात को देर हो गई थी। देर नहीं, बहुत देर हो गई थी। तुम्हें तो पूजा के वक्त होना चाहिए था, और अपनी बहन को राजपुरोहिताइन बनते देखती ना तुम भी खुश हो जाती। वैसे छोटी बहू है कहाँ, और ये सब तैयारी तुम क्यों कर रही हो? क्षमा कर दीजिए दादी माँ, मुझे आपके इस पवित्र मंदिर में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं एक मानी हुई बेटी हूँ जिसकी जात का कोई पता ही नहीं। राधिका, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मंदिर को हाथ लगाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा? अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी का श्रृंगार इतना सुंदर किया है तुमने, और मंदिर को जिस तरह से तुमने सजाया है, शायद मैं और मेरी बहू भी इतना न कर पाए। तभी तो तुम कान्हा को अपना पति मानती हो, उनके नाम का सिंदूर अपने मांग में भरा है, क्योंकि ये भी तो तुम्हें अपना ही मानते हैं ना? तो फिर मैं कौन होती हूँ भला तुम्हें रोकने वाली? अरे मैं तो छोटी बहू के बारे में इसलिए पूछ रही थी कि रिवाज के तौर पे उसे ही ये सब करना होता है, लेकिन बेचारी थक गई होगी ना? कोई बात नहीं, समय के साथ साथ छोटी बहू भी ये सब संभालना सीख जाएगी। लेकिन वो समय आएगा कब? सो रही है महारानी, तो फिर मुझे इतनी सुबह उठाने की क्या जरूरत थी? दीपिका जी, बेटे जाओ तो जाके देखो छोटी बहू को आने में देर क्यों लग रही है। जी दादी। राधिका बेटा जी, तुम जाओ और अपने घर के सारे लोगों को बुला के ले आओ। जी राधिका। वेट 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 वैसे राधिका, विशाखा के कपड़ों में तुम बिल्कुल इस घर की छोटी बहू लग रही। तो क्यों ना हमने पूजा तुम्हारे ही साथ कर, ताकि उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम से सो सकूं। बड़ी बहू कुछ भी बोलती हो। राधिका बेटा तुम जाओ। लगता है ये पूजा भी देर से ही शुरू होगी। थैंक्स टू हमारी छोटी बहू हर काम में। देरी नहीं होगी मृणालिनी, छोटी बहू आ गई है।
बाबूजी। मेरे कारण तुम्हें कितना सहना पड़ा, मुझसे कितना बड़ा अधर्म हो गया। इतनी पवित्र पूजा में पत्नी के स्थान पर मैंने किसी और को बिठा दिया। मुझे स्वयं को पंडित कहलाने का कोई अधिकार नहीं। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी किया गया है वो दो परिवारों के सम्मान को बचाने के लिए किया गया है बाबूजी। नहीं राधिका, नहीं। निर्णय पूजा आरंभ होने तक सच छुपाने के लिए लिया गया। मेरे कारण विलंब हुआ। मेरे ठाकुर जी तो संभवतः कदापि मुझे क्षमा नहीं करेंगे, परंतु तुम आपके ठाकुर जी आपको जरूर क्षमा करेंगे बाबूजी, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पत्नी बनकर पूजा में मैंने जो कुछ भी किया है बाबूजी, अपनी मर्जी से किया है। अगर मुझे किसी ने मजबूर किया होता तो शायद ये पाप होता बाबूजी। जब सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं तो ये अधर्म कैसे हो सकता है बाबूजी? छोटी भाव को पूजा में कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट है नहीं। तिलक लगाने में भी हाथ दुख रहे हैं बेचारी। क्या हुआ विशाखा, कल की पूजा से बहुत थक गई हो? जी काफी थक गई हूँ। देवर जी, लगता है छोटी बहू सोई नहीं रात भर। अब पूजा कर ले ताकि पूजा वक्त पर खत्म हो और हम अपने अपने कमरों में जा सके। प्लीज। शास्त्री जी कहाँ है? जी वो शायद बाहर हैं। बाहर क्यों? मैंने राधिका को भेजा था शास्त्री जी को आरती के लिए बुलाने के लिए, और देखो ना वो भी कहीं रह गई। मैं उन दोनों को लेकर आता। हाँ बेटा जल्दी जा। आपकी जगह कोई और भी होता शायद ऐसा ही करता बाबूजी। आप ही तो कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ जानता है, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती बाबूजी। भी भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि आपने क्या किया है, वो तो ये देख रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है। इसलिए बाबूजी आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। अब आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। अरे बाबूजी आप यहाँ हैं? चलिए ना, दादी माँ चाहती हैं आज की आरती आप करें। नहीं नहीं बेटा, मैं आरती नहीं कर सकता। क्यों बाबूजी? मैं अपने ठाकुर जी का सामना कैसे करूं? मैंने असत्य कहा है,
धोखा दिया है, घोर पाप किया है, मैं अपने ईश्वर से आंखें नहीं मिला सकता तो उनकी आरती कैसे करूंगा? इतना घोर अधर्म करने के पश्चात? नहीं, आपने कोई अधर्म नहीं किया है बाबूजी। जिस काम से दो परिवारों का भला हुआ हो, इतनी सारी जिंदगियां बची हो, वो भला अधर्म कैसे हो सकता है? चलिए ना। ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अभी पूजा में नहीं जाऊंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे बाबूजी? जो भी अधर्म हुआ है मेरी वजह से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी पत्नी मेरी वजह से मेरा घर छोड़कर चली गई, और मैंने अपनी मर्जी से किसी और को अपने साथ पूजा में बिठा लिया। तो फिर बाबूजी, जब सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो ये पाप ये अधर्म किसी और के सर पर क्यों? ये तो मेरे सर पर होना चाहिए ना। नहीं नहीं बाबू, ऐसा ना कहिए। आपके जैसा पवित्र व्यक्ति तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। ये बात आप पर भी लागू होती है बाबूजी। चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटा तनिक अपने आप को सहज कर लो, फिर आता। चलो बेटा। बाबूजी आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आती। तेरी आरती गाए बिना मेरी पूजा संपन्न हुई है कभी? शास्त्री जी कहाँ है? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। शास्त्री जी, मेरा बड़ा मन है कि आज की आरती आप ही करें। आपके हाथ से आरती होगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ जी, परंतु जिस पवित्र वातावरण की अनुभूति आपको हुई है उसमें राधिका का गायन भी होता है। कुंज बिहारी की आरती राधिका बड़े मन से गाती है। अच्छा राधिका बेटा, तुम्हारा गाना सुनने का तो मेरा भी मन है, गाओ ना। आओ बेटा आरंभ करो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, माला बजाए मुरली मधुर बाला, बाला श्रवण में कुंडल ढलका।
राधिका बेटा यहाँ आओ। बहुत अच्छा गाया तुमने, ऐसा लगा जैसे हम तो वृंदावन पहुंच गए। अरे छोटी बहू, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? जी वो क्या भूल गई। भूल गए छोटी बहू, तुम अपनी इस भूलने वाली बीमारी का कुछ इलाज क्यों नहीं करवा लेती? कभी सिंदूर भरना भूल जाती हो, कभी मंगलसूत्र। व्हाटएवर, अब आज कह दीजिए हम अभी ही वृंदावन निकल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत अधिक समय हो गया है माँ जी घर से निकले। लेकिन दोपहर तक तो आपको रुकना ही होगा। आज आपकी बेटी पूजा के बाद भोग बनाएगी और ठाकुर जी को राजभोग अर्पण करके तभी तो पूजा संपन्न होगी। तब तक आप लोग अपने कमरे में आराम कीजिए, फिर दोपहर की पूजा में हम बुला लेंगे आपको। जैसी आपकी आज्ञा। घर छोड़कर क्यों गई थी आप पूछ रहे? लिख तो दिया था मैंने। मैं मानता हूं मैं आपको वो जिंदगी नहीं दे पाया जो शादी के बाद आपने सोच रखी थी, लेकिन मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं एक बहुत अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई तकलीफ थी तो आपको मुझे बतानी चाहिए थी, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप घर छोड़कर चली गई, वो भी ऐसे वक्त पर जब घर को आपकी बहुत जरूरत है। वाह, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको सिर्फ इस घर की जरूरत का एहसास है? और हो भी क्यों ना, इस घर में मेरी अहमियत ही क्या है? सारे डिसीजंस, सारे निर्णय तो आप खुद ही ले रहे हैं। हर एक मैं हूँ जिसने हर कदम पे समझौते किए हैं अपनी जिंदगी के साथ और अपने सपनों के साथ। कैसे सपने? फिल्म स्टार बनने का सपना। पर मैं अपने सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग गई। क्योंकि मुझे पता चल गया था इस घर में मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा मत सोचिए, मुझे सच में आपका ख्याल है। अगर ऐसा ही कुछ था तो आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है। इस घर के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें पूरी करनी ही होगी, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी छोटी बहू होने का कर्तव्य निभाएं। अब तक तो हमने राधिका की मदद से घर वालों से बहुत कुछ छुपा लिया, और उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता। जाइए, राधिका से घर की चाबियां और मंगलसूत्र ले आइए, क्योंकि ये चीजें घर की असली छोटी बहू के हाथ में होनी चाहिए। लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे
सपने सो गए, आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। इस घर में मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है, बस हर कोई चाहता है कि मैं अपने सपने अपने अरमान सब कुछ जलाकर खाक कर दूं। एक तो बाबूजी जो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर इस घर में वापस ले आए, और एक वो देव तो बस यही चाहता है कि मैं उसकी हुकुम की गुलाम बनकर यहाँ रहूं। जो भी ला, वो जंजीर दे मुझे, जल्दी ला। जंजीर? क्या हो गया तुमको राधिका? ये मंगलसूत्र, एक तो मृणालिनी ने मुझे टोक दिया है, ऊपर से वो देव को भी बस इस मंगलसूत्र की फिक्र है। मुझसे कहता है कि जाओ राधिका से जाकर अपना मंगलसूत्र वापस ले लो। तुझे जिंदगी से इतनी शिकायतें क्यों है? भगवान ने तुझे इतने अच्छे माँ बाबूजी दिए, जिन्होंने इतने लाड से तुझे पाला पोसा, फिर तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला जहाँ का हर सदस्य तुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखता है। मैं एक रात तेरे घर में थी, पर तेरे घर वालों ने मुझे तू समझ के इतना प्यार दिया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो तुझे बहुत चाहते हैं विशाखा, उन्हें दुख मत दे, इस घर की बहू होने का धर्म निभा, अपने पति को प्यार दे, और फिर देख ये सब करके तुझे बहुत खुशी मिलेगी। बस हो गया या अभी और कुछ कहना बाकी है? वैसे बाबूजी से तुमने पूजा पाठ के अलावा प्रवचन देना बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, लेकिन मैं ना तो तुम्हारे प्रवचन में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारी किसी सलाह में, समझे तुम? मुझे इस घर की छोटी बहू रहना ही नहीं है।